नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सिर्फ आपके लिए में। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और रोज़ नई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के समय कौन कौन से उपाय कर सकते हैं हम, जिससे कि हम पे भगवान की कृपा बनी रहे। अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके जो भी मनोकामना है उसको पूरा करे, तो इसके लिए जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह स्नान करके मंदिर में, राधा कृष्ण मंदिर में जाके भगवान को पीले रंग की माला चढ़ाएं, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। इसके अलावा अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है तो आप भगवान को सफ़ेद मिठाई या खीर या साबूदाना का भोग लगाएं और उसमें मिश्री और तुलसी चढ़ाएं, इससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। इसके अलावा अगर आपके व्यवसाय या नौकरी में सफलता ना मिल रही हो तो खीर का भोग भगवान को लगाकर कन्याओं को खीर खिलाएं, जिससे आपको व्यवसाय में और नौकरी में सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके किसी काम में अड़चन आ रही हो और आपकी कोई समस्या का समाधान ना हो रहा हो, तो जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण मंदिर में जाकर जटा वाला नारियल और 11 बादाम भगवान को चढ़ाएं, इससे आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी जन्माष्टमी।